प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज डिस्कस करते हैं, पिछले वीडियो में हमने उच्चारण के बारे में बताया था, डिफाइन किया था, और उससे आगे आज डिस्कस करते हैं विटामिन्स के बारे में। भोजन का पाचन और अवशोषण संबंधी पाठ से छोटा सा टॉपिक लिया गया है। विटामिन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन्स दो प्रकार के हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स में चार प्रकार के विटामिन्स आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। प्रत्येक विटामिन का सोर्स, कार्य और उसकी कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्हीं चार विटामिन्स के बारे में आपको बताता हूं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये केमिकल नेम कई बार पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके जो रेगुलर एग्जाम है 11, 12, BSc उसके सभी में। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल की, जिसके अच्छे सोर्स हैं अंडा, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां और यकृत। कार्य, ये नेत्र शलाकाएं जो रोडोप्सिन हमारे आंखों में पाई जाती हैं उनका संश्लेषण करती हैं और एपिथीलियम स्तर में वृद्धि करती हैं। यदि इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिरोथेर्मिया, रतौंधी, एपिथीलियम उत्तक का कम विकास और जनन उत्तक का कम विकास। विटामिन डी, विटामिन डी आपने सुना भी होगा, जिसका नाम है कैल्सिफेरॉल, यानी कैल्शियम की पूर्ति करता है कैल्सिफेरॉल। मक्खन, दूध, मांस, मछली, तेल, यकृत, वरक सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा मिलता है। यदि सुबह उठ के प्रातःदिन आधा घंटा पौना घंटा सूर्य निकलते हुए सूर्य का आप स्नान कर लें, यानी वो जो ऊष्मा उससे मिल रही है उन किरणों का सेवन आप कर लें, तो निश्चित रूप से आपको और दूसरी चीजों को विटामिन डी के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विटामिन डी के जो कार्य है हमारे शरीर में, वो कैल्शियम, फास्फोरस तथा छोटी आंत्र का अवशोषण, हड्डियों एवं दांतों का स्वास्थ्य बनाए रखना और वृद्धि में सहायक है। इसकी कमी से जो मुख्य रोग है वो है रिकेट्स अर्थात सूखा रोग भी कहते हैं, प्राय बच्चों में होता है, और बड़ों में जो बीमारी होती है वो है ऑस्टियोमलेशिया। जबड़ों की अस्थियां विकृत हो जाती हैं, कई बार दांत आगे पीछे हो जाते हैं, आपने देखा होगा, और जल्दी ही वो हिलकर टूटकर गिरने शुरू हो जाते हैं। तीसरी विटामिन, इंपॉर्टेंट विटामिन वसा में घुलनशील, वो है विटामिन ई। अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां, मांस, वनस्पति तेलों में पाई जाती है, और विटामिन ई सबसे ज्यादा उन सभी पदार्थों में पाई जाती है जो अंकुरित होते हैं अर्थात जर्मिनेटेड होते हैं, जैसे अंकुरित दालें, अंकुरित चना, अंकुरित अनाज, उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या काम है इनका? ये जननी एपिथीलियम की वृद्धि करती है अर्थात जो जनन क्षमता है उसको प्रभावित करती है। प्रजनन के लिए ये सबसे आवश्यक विटामिन है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और कभी कभी अंग घात पैरालिसिस की शिकायत भी होती है। प्रजनन क्षमता में कमी आने का मतलब है कि महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का विकास होता है। चौथी और इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन के अर्थात नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन सोयाबीन, यकृत, हरी सब्जियां, टमाटर, अंडा, पनीर आदि में पाई जाती हैं, और रुधिर का थक्का जमने में, चोट लगने के बाद यदि शरीर से रुधिर निकलना शुरू हो जाए, विटामिन के की कमी हो तो वो निकलता ही रहेगा और एक्सेस ऑफ ब्लडिंग में आदमी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि विटामिन के प्रचुर मात्रा में आपके शरीर के अंदर है तो वो निश्चित रूप से उसका क्लोटिंग बनाने में हेल्प करेगा, थक्का जमने में हेल्प करेगा, यकृत में प्रोम्बोथिन का निर्माण करने में भी ये सहायक होता है, और इसकी कमी से होने वाला जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा है हेमोरेज अर्थात रक्त स्राव। तो ये चार महत्वपूर्ण विटामिन जो वसा में घुलनशील है, दोबारा एक बार फिर रासायनिक नाम के साथ बताता हूं, विटामिन ए
रेटिनॉल, विटामिन डी, कैल्सिफिरोल, विटामिन ई, टोकोफिरोल तथा विटामिन के, नेफ्थोक्विनोन। चारों विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो मैं समझता हूं इनके स्रोत और जो आवश्यक कार्य है और इनकी कमी से होने वाले रोग आपकी समझ में आ गए होंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो देखते रहें, बेल आइकॉन दबा के रखें जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए, क्योंकि जल्द ही नई वीडियो जो क्वेश्चन आंसर से संबंधित है वो डाली जाएगी। धन्यवाद।